अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। फूड इज रेडी में आज एक बहुत ही मज़ेदार और लजीज रेसिपी गुड़ के चावल के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ, जो कि बहुत ही लजीज और बहुत मज़ेदार होते हैं। अक्सर फंक्शंस में और शादियों में इनको तैयार किया जाता है। इससे पहले कि इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आइए चलते हैं गुड़ के चावल के इंग्रेडिएंट्स की तरफ। गुड़ के चावल बनाने के लिए यहाँ हमारे पास सैला चावल है, जो मैंने एक पाव लिए हैं, जिसे मैंने 2-2.5 घंटे पानी में भिगोने के बाद अब इसका पानी जो है वो ड्रेन कर दिया है। एक पाव मेरे पास गुड़ है, जिसके मैंने इस तरह से मोटे जो है वो इसके पीस कर लिए हैं। और यहाँ पे हमारे पास कुछ मेवा है, जिसमें नारियल है, जिसके इस तरह से स्लाइस में, छोटे स्लाइस में जो है वो कटिंग कर ली है। ये तकरीबन जो है वो 2 टेबलस्पून है, और 3 टेबलस्पून जो है वो हमारे पास किशमिश है। इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास कुछ पिस्ते हैं, जो मैंने 2 टेबलस्पून लिए हैं। कुछ अखरोट हैं, जिनसे हम इसको गार्निश करेंगे। 5 से 6 हमारे पास जो है वो लौंग है, और ये 20 से 25 बादाम है, जिनको मैंने बॉयल करने के बाद जो है वो छिलका उतार के इसकी स्लाइस में कटिंग कर ली है। यहाँ देखिए, में पानी गर्म हो रहा है। इस गर्म पानी के अंदर जो हमने चावल, जिसका मैंने अभी पानी ड्रेन कर दिया था, ये सारा चावल जो है वो इसमें डाल देंगे और इसको इसमें बॉईल होने तक पकाते रहेंगे। जब तक चावल बॉईल हो रहे हैं, दूसरी तरफ जो हमारे पास गुड़ है, हम उसका शीरा जो है वो तैयार कर लेते हैं। यहाँ सॉस पैन में 2 गिलास पानी गर्म हो रहा है। इस पानी के अंदर हम ये सारा गुड़ डाल देंगे, ताकि गुड़ अच्छी तरह से इसके अंदर मेल्ट हो जाए। सारा गुड़ पानी के अंदर डाल दिया है, इसे उस वक्त तक पकाएंगे जब तक कि गुड़ अच्छी तरह से इसके अंदर मेल्ट हो जाए। गुड़ का शीरा जो हमने तैयार करने के लिए रखा था, गुड़ इसमें बहुत अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है। अब इसका चूल्हा मैं बंद कर देती हूँ। चावल बहुत अच्छी तरह से ये गल चुके हैं, अब इनका पानी जो है वो मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ और इसका पानी ड्रेन कर देती हूँ। चावल को ड्रेन करने के बाद इस डेगची में हम तकरीबन 1/2 कप ऑयल डालेंगे और इसके अंदर लौंग डाल के इसको गर्म करेंगे। लौंग बहुत अच्छी तरह से ऑयल के अंदर गर्म हो गई है। अब जो हमने इसका गुड़ का शीरा तैयार किया है, ये सारे इसमें डाल देंगे। इसको अच्छी तरह से गर्म कर लेते हैं। शीरा बहुत अच्छी तरह से ऑयल में गर्म हो चुका है। अब जो हमने चावल बॉईल किए थे, ये सारे चावल इसमें डाल देते हैं, जिनको मैंने बहुत अच्छी तरह से इसका पानी जो है वो सारा ड्रेन कर लिया है। इसके साथ ही जो हमारे पास नारियल है, ये नारियल भी इसमें डाल देंगे और किशमिश इसमें सारी डाल देंगे। इसको अब तेज आंच पे पकाएंगे, ताकि जो चावल में थोड़ी सी कसर है वो भी इसके अंदर जो है वो गल जाए और इसका पानी भी बिल्कुल खुश्क हो जाए। पानी बहुत तेजी के साथ बॉईल हो रहा है, इसको उस वक्त तक पकाएंगे जबकि ये बिल्कुल खुश्क हो जाए। गुड़ के चावल बिल्कुल तैयार है। सारा पानी इसका तकरीबन 10 मिनट में तेज आंच पे मैंने इसका खुश्क कर लिया है। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। चावल को डिश आउट करने के बाद इसको हम बादाम, पिस्ते और अखरोट से इसको गार्निश कर देंगे। गुड़ के चावल बिल्कुल तैयार हैं। बहुत ही आसान और बहुत ही जल्द तैयार होने वाली ये रेसिपी है। सिर्फ 10 से 15 मिनट में ये तैयार हो जाते हैं और बहुत ही लजीज तैयार होते हैं। मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें, ऑल के ऑप्शन पर क्लिक करें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।